राजस्थान पुलिस का एक बार फिर गलत व्यवहार देखने को मिला है, जहां पुलिस थाने के अंदर महिलाओं के साथ संगीन मारपीट करने व गंदे गालियों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, राजस्थान पुलिस अपनी घटिया मानसिकता का रूप दिखाते हुए पीड़ित परिवार के ऊपर कहर ढाया है, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल मुशर्रफ राना, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन जैसे ही जो पिछले दिनों राजस्थान पुलिस का जो रूप सामने आया है वो काफ़ी बदनाम करने वाला रूप सामने आया है राजस्थान पुलिस के टैग को, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एक टैग है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। आमजन में तो भय हो रहा है, अपराधियों में विश्वास हो रहा है। जहाँ पर एक पीड़िता अपने साथ हुई मारपीट का मामला दर्ज करवाने आई, पुलिस थाने में पहुंची, वहां जो अपने थाने में, तो वहीं पुलिस ने उसकी सहायता के बजाय उसके साथ मारपीट की, बद्दी बद्दी गालियां निकाली है, जिससे पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप दोनों ही रूप से कष्ट पहुंचा है। जी, पुरुषोत्तम, पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के साथ संगीन मारपीट की है, वहीं राजस्थान पुलिस के ऊपर कई सवाल या निशान नहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मुशर्रफ, मैं आपको बता दूं, जैसे ही इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ, वायरल होते ही ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने संज्ञान लिया और वहीं जो स्थानीय जो थाना था जहां पर घटनाक्रम हुई थी, वहां के थानाधिकारी को और एक एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया, और वहीं जो रेंज आईजी है उन्होंने पूरी घटनाक्रम को अपने हाथों में लेते हुए पूरी की जाँच शुरू करवा दी। और देखने वाली बात यह है कि जाँच में क्या करते हैं पुलिस, अपने पुलिसी कर्मियों को सस्पेंड करते हैं या केवल लाइन हाजिर करके ही बहाल कर देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी जांच के बाद। पुरुषोत्तम, पीड़ित परिवार से अगर आपकी बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके साथ में किन्होंने मारपीट की, तो वो केवल उसका जो अपने जो मारपीट का जो मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उसकी सहायता करने के बजाय उनके साथ ही बुरी तरह मारपीट की और बद्दी बद्दी गालियां निकाली। शुक्रिया पुरुषोत्तम तिवारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।